खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज़्ज़ा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। संविधान से स्वाभिमान यात्रा रविवार को अजमेर पहुंची। यात्रा का स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने शास्त्री नगर रोड स्थित निजी समारोह स्थल में स्वागत किया। यात्रा में आए एससी प्रकोष्ठ प्रभारी रविंद्र दलवी ने सभी कांग्रेसियों को आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव जीतने की बात कही। इन सम्मेलनों का उद्देश्य किसानों आम जनमानस को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराने से है। अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जतारिया ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्गों पर सभी दलित समाज के लोगों को चलना चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा यह दलित करबा चलता रहना चाहिए। जाति धर्म भाषा और संस्कृति यही भारतीय समाज की सच्चाई है। आज पूरे राजस्थान में जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हो, आज इस माहौल की एक इस कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के दिए गए निर्देश के अनुसार पूरे राजस्थान में हमने संविधान से स्वाभिमान यात्रा के दरमियान जो राजस्थान में 34 सीटों का जो हमारा दौरा, आज हम अजमेर में आए हैं और उसी के कड़ी में आज संविधान के स्वाभिमान यात्रा का एक सम्मेलन यहां पर हो रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं, देश के हालात ठीक नहीं है। देश में जिस तरीके का माहौल आज केंद्र की राज्य केंद्र की और प्रदेश की सरकार आने के बाद जो दलित वंचित बहुजन समाज जो हालात में जी रहा है, उसके ऊपर खाने के ऊपर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने क्या खाना चाहिए, उन्होंने क्या पहनना चाहिए, उन्होंने क्या बात रखनी चाहिए, उन्होंने क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें इस देश के लिए दिया, इस संविधान के मुताबिक स्वतंत्रता समता बंधुता न्याय और व्यक्ति स्वातंत्र्य, इसका हनन होने जा रहा है। इनके अधिकारों को छीना जा रहा है, दलितों के अधिकार को और दलितों के लिए सुरक्षात्मक जो कानून बनाए गए, इस कानून को कमजोर करने का प्रयास इस देश में हो रहा है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।